हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? व्हेन ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क प्रॉपरली इन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर WHO की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंगली व्हेन द ह्यूमन बीइंग सोशली मेंटली एंड फिजिकली वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यहाँ हेल्थ जो सोशली फिजिकली मेंटली प्लस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो भी हेल्दी हो। हेल्दी दैट मीन दे कैन प्रोड्यूस गैमेट्स, तो उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो गवर्नमेंट है उसने इस टॉपिक पर बड़ा ध्यान दिया है। मींस इससे रिलेटेड जो भी वो कर सकते थे, स्ट्रेटेजीज जो अपना सकते थे उन्होंने अपनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताने के लिए ऑडियो विजुअल्स दिए हैं। किसने? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो ऑडियो विजुअल्स देते रहते हैं। तो इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आज हम हमारी 10th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इट इज ए पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन विच इज नेसेसरी इन द स्कूल टाइम। स्कूल टाइम में सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है, ये आपका एक क्वेश्चन भी है। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पढ़ते हैं और इससे बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मिथ्स हमारे दूर होते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही होता है कि हम जानते हैं आफ्टर प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल आर स्टार्ट टू प्रोड्यूस गैमेट्स और वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज दे कैन अफेक्ट फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर उनको सही नॉलेज नहीं है तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स दे कैन अफेक्ट फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको आप STD बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये वो डिजीज है। हम इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो डिजीज हैं जो सेक्सुअल एक्ट से फैलती हैं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती हैं। इसीलिए उनको STDs बोला गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब है कौन कौन सी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है आपकी, एक फनेरिया, दो सिफिल्स, तीन जेनिटल हार्प्स और फोर्थ हेपेटाइटिस बी और सबसे खतरनाक HIV जिसे आप एड्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ डिजीज हैं, ये एक नंबर में आ जाती हैं फाइनल एग्जाम में, राइट? सम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उसमें दो या तीन डिजीज के आपको नाम लिखने होंगे, ये एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है इनसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है ये डिजीज। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में गवर्नमेंट इसी चीजों पर ध्यान देती है कि कम से कम जो मैच्योर लोग हैं वो इन डिजीज से बच सके, तो उसके लिए वो अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। दूसरा, जो सेक्सुअल एक्ट है उससे ये बीमारियां तो फैलती ही है। दूसरा एक और जो सेक्सुअल एक्ट है यानी कि जो मेटिंग है उसमें क्या होता है, वो लीड करती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी दैट मीन कंसीव बेबी। अब अगर सेक्सुअल एक्ट से प्रेगनेंसी होती है दैट मीन क्या होगा, जो नंबर है चाइल्ड वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो दैट मीन इनडायरेक्टली जो हमारे पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कि इस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और कंसीव
बेबी कंसीव से रोकने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो मदद करेंगे इस प्रेगनेंसी से बचने के। देखो वो क्या है। चलो तो सबसे पहला मेथड है और इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच अवॉइड प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला मेथड है बैरियर्स, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला आता है कॉन्डोम। कहते हैं कॉन्डोम क्या है, ये एक रबर और लेटेक्स सीट है विच कवर द पेनिस एंड प्रिवेंट द स्पर्म रिलीज इनटू वेजाइना। वेजाइना में स्पर्म को रिलीज होने से ये रोकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द ओनली मेथड विच ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी रोकता है और ये इकलौता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा पहला मेथड बैरियर। दूसरा मेथड देखते हैं हमारा केमिकल मेथड्स। इन मेथड्स में क्या होता है, पिल्स यूज की जाती है। पिल्स दो तरह की होती हैं, एक होती है वेजाइनल पिल और दूसरी होती है ओरल पिल्स। इन पिल्स में हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और ये फीमेल के लिए होती है। पिल्स फीमेल के लिए होती है, तो ये क्या कर देती है, ये जो पिल्स होती हैं उस फीमेल में हार्मोन का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो ओवम रिलीज नहीं होता, फीमेल में ओवम रिलीज नहीं होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ओवम यानी कि फीमेल गैमेट ही नहीं होगा तो अगर मेल स्पर्म पहुंच भी जाते हैं यानी कि स्पर्म पहुंच भी जाते हैं तो ओवम ना होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या कर देते हैं, उस फीमेल में चेंजेस ले आते हैं जिसकी वजह से ओवम रिलीज नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है इस मेथड के साथ, कि क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड है तो इसकी वजह से कुछ हार्मोन इम्बेलेंस भी हो सकता है फीमेल में, यानी कि उसके साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। थर्ड मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, शॉर्ट फॉर्म में IUCD, IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नाम से पता लग रहा है यूट्रीन डिवाइसेस, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो कहाँ यूट्रस में फिट कर दिए जाते हैं और वो फिर प्रेगनेंसी को रोकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, कॉपर टी, ये है कॉपर टी। ये टी शेप की एक कॉपर की स्ट्रक्चर होता है जिसको यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। ये कॉपर आयन रिलीज करेगा और ये कॉपर आयन क्या करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी मोबिलिटी को, मोबिलिटी बोले तो उनकी जो मूवमेंट है उसको स्लो कर देगा और वो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो कॉपर टी इसका एग्जांपल होगा जो कि यूट्रस में फिट हो जाती है और प्रेगनेंसी से बचाती है। लास्ट और परमानेंट मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ये परमानेंट मेथड होते हैं, क्या है चलो देखते हैं।
मेल में जो सर्जिकल मेथड है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, और फीमेल में सर्जिकल मेथड को बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी। क्या है ये वैसेक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी? हम जानते हैं कि मेल में क्या होती है, वास डिफरेंस होती है, ये हमने पढ़ा है, यानी कि ये टेस्टिस, ये टेस्टिस है, यहां से वास डिफरेंस निकलती है और यहां आकर मिल जाती है। तो इस वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। टाई करने से क्या होगा, जो टेस्टिस से अब स्पर्म निकलेंगे वो आगे रिलीज नहीं होंगे। यहां दोनों को कट करके और टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब वो बाहर नहीं जाएंगे, और ये परमानेंट मेथड है। स्पर्म नहीं जाएंगे बाहर तो ऑब्वियस सी बात है स्पर्म रिलीज नहीं होंगे वजाइना में, तो एग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। चलो अब इसके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वैसेक्टोमी कहां से आया, मेरा वास, वास डिफरेंसिया को कट करना वैसेक्टोमी, सेम यहीं पर आ जाएगा। ट्यूब क्या थी, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब, ये वाली ट्यूब, ये सिर्फ मैं लाइक दिस। तो क्या किया जाता है, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट किया और टाई कर दिया, फेलोपियन ट्यूब को कट किया और टाई कर दिया। अब ओवम ओवरी से रिलीज होगा, लेकिन वो यहां तक पहुंच गया, लेकिन स्पर्म आगे नहीं जा पाती, दोनों तरफ से कट करके टाई कर दिया जाता है, तो स्पर्म जो है वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे एग के पास और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ ह्यूमन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है,